इंडिया और अमेरिका में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि शादी, कल्चर, रहन सहन और भी बहुत कुछ। आज हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, वेडिंग। अमेरिका में आमतौर पर बहुत ही सिंपल वेडिंग्स होती है, वाइट ड्रेस और कम ज्वेलरी के साथ। फंक्शंस भी बहुत कम होते हैं, जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स वेडिंग कपल के बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ एडवाइसेस देते हैं और बहुत ही सिंपल वेडिंग कस्टम फॉलो किया जाता है। वही बात करें इंडियन वेडिंग की, तो इंडिया में सिंपल वेडिंग्स भी बहुत ज़ोरों शोरों से की जाती है, बैंड बाजा और बारात के साथ। इंडिया में वेडिंग्स एटलीस्ट 7 दिनों का फंक्शन होता है, जिसमें बहुत सारी रस्में और रिवाज होते हैं, संगीत, मेहंदी, हल्दी और भी बहुत कुछ। और सब हैवी ज्वेलरी और हैवी कपड़े पहनते हैं, 1000 टाइप के पकवान बनते हैं। इंडियन शादी में इतने सारे रिवाज होते हैं कि एक दिन में 2-2 रस्में रखनी पड़ती है, जिसका ये मतलब है कि एक दिन में 2-2 बार आपको वो हैवी कपड़े बदलने पड़ते हैं। इंडियन वेडिंग में इतने सारे फंक्शंस होते हैं कि 6 महीने पहले ही सबकी तैयारी करनी पड़ती है, ताकि सब काम बरोबर और टाइम पे हो पाए। नंबर टू, ड्राइविंग। अमेरिका में ड्राइवर सीट लेफ्ट में होती है और इंडिया में राइट में। इंडिया के ट्रैफिक रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने कि US के है। हर कोई अपनी मर्जी से गाड़ी चला सकता है। अगर आपको लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट ले लो, अगर आपको राइट लेना है तो राइट ले लो, किसी को ओवरटेक करना है तो साइड से निकल के कर लो, अगर सिग्नल फॉलो करना है तो करो, वरना निकल जाओ। अमेरिका में ट्रैफिक पुलिस आपको तभी रोकती है जब भी आप कोई रूल ब्रेक करो या फिर अपनी गाड़ी को ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड अप करो। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत सारे रीजंस की वजह से आपको पुलिस रोक सकती है, जैसे कि सीट बेल्ट ना लगाना, लाइसेंस ना होना, इंश्योरेंस ना होना और भी बहुत कुछ। नंबर थ्री, स्ट्रीट फूड। अमेरिका में मोस्टली स्ट्रीट फूड ट्रक में बेचा जाता है और ज़्यादा वैरायटीज़ आपको स्ट्रीट फूड में नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर आप इंडियन स्ट्रीट फूड की बात करो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्ट्रीट्स पे नहीं मिल पाए। हर मज़ेदार खाने का चटकारा आप इन गलियों में पा सकते हैं। अमेरिका में टेम्पटिंग खाना खाने के लिए आपको अच्छे होटल्स में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, जिसके वजह से अपने खाने में मिर्ची और मसाला कम खाते हैं। इंडिया में लोग कम मिर्ची वाले खाने में भी अमेरिका के लोग से ज़्यादा मिर्ची खा लेते हैं। स्ट्रीट फूड इंडिया में एक बड़े इवेंट की तरह है। लोग यहाँ के खाने के दीवाने हैं, पानी पूरी, पाव भाजी, गुलाब जामुन और भी बहुत कुछ। इंडिया में पेट भरने के लिए आपको कोई बड़ी होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रीट फूड के स्वादिष्ट खाने से भी आपका पेट भर सकते हैं। नंबर फोर, वीकेंड्स। US में सबको फिक्स सैटरडेज और संडेज ऑफ मिलता है, पर इंडिया में सैडली ये रूल सबके लिए नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर कंपनीज में 6 डेज वर्किंग होता है। नंबर फाइव, स्पोर्ट्स। अमेरिका में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल और भी बहुत कुछ, जिसको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। पर इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक ही स्पोर्ट्स को दी जाती है, वो है क्रिकेट। यहाँ पर लोग क्रिकेट के इतने दीवाने हैं कि अगर उनकी टीम हार रही होती है तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। कुछ लोग तो ऑफिस से भी जल्दी आ जाते हैं फिनाले देखने के लिए। क्रिकेट के लिए लोग जितने दीवाने इंडिया में हैं उतने और कहीं भी नहीं हैं। खैर, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया की क्रिकेट टीम सबसे बेस्ट क्रिकेट टीम में से एक है। नंबर सिक्स, फैमिली टाइम।
इंडिया में फैमिली टाइम की बहुत अहमियत है। इंडिया में हर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल को फैमिली के साथ मनाया जाता है। चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, इन सब को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पर अमेरिका में फैमिली को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। अमेरिका में कुछ लोग तो अपनी सारी कजिन्स को जानते तक नहीं हैं। नंबर 7, बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड। हॉलीवुड और बॉलीवुड में बहुत फर्क है। बॉलीवुड में कोई भी मूवी हिट करने का मंत्र ये है कि उसमें अच्छे सॉन्ग्स डाल दो, और इतना ही नहीं, उन सॉन्ग्स पर अगर अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया तो सोने पे सुहागा। हॉलीवुड मूवीज़ में ज़्यादा एक्शन और लव ड्रामा दिखाया जाता है। हॉलीवुड मूवीज़ में सॉन्ग्स के ऊपर डांस नंबर बहुत कम देखने को मिलता है। इस वीडियो में बताए गए डिफरेंसेस के अलावा और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं जो इंडिया और अमेरिका में है। अगर आप भी ऐसे कुछ डिफरेंसेस जानते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।